दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी को हमको दोनों मेथड से करना है, जो कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। तो चलिए करते हैं। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लें। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। तो चलिए सबसे पहले इसे हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x plus y is equal to 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एंड 2x minus 3y is equal to 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें देन हमारा x कैंसिल हो जाएगा, हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। इसी को तो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 वी गेट, हम क्या पाएंगे? देन 2 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन फर्स्ट में, देन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड से। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड क्या था हमारा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हमारा थर्ड इक्वेशन निकला था 2x plus 2y is equal to 10। तो चलिए जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे देन 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 3y और 2y ऐड हो जाएंगे देन हमें वैल्यू मिलेगी 5y। 5y is equal to 6, 10 में से 4 जा 6। नाउ अब y का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 6/5। तो हमें y का वैल्यू तो फाइंड कर लिया, अब इसे हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे देन हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में रखते हैं देन पहला इक्वेशन था हमारा x plus y is equal to 5। तो चलिए रखते हैं x plus y का वैल्यू हमें मिला है 6/5। 6/5 को y के प्लेस पे पुट कर देंगे और यहाँ 5, अब इसे हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं देन माइनस हो जाएगा -6/5 ये 1। अब LCM लेते हैं देन LCM 5 और 5/5 जा 25 माइनस 6 इम्प्लाइज दैट 19/5। Therefore, value of x and y हमें क्या मिल गया? x and y be 6/5 and 19/5, ये हमें दो वैल्यू मिल गया। तो चलिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं। By substitution method, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो यहाँ पे भी हम जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन बी, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया हुआ है देन हमें क्या दिया हुआ है? देन x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, और 2x minus 3y is equal to 4,
तो हम जानते हैं जब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होता है तो इन दोनों इक्वेशन में उस इक्वेशन को लेते हैं जो जिससे हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम पहले इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से एक्स वाई को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे देन माइनस हो जाएगा, देन 5 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हमें मिल गया 5 माइनस वाई। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट करिए, देन 2 एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई और माइनस 3y इज इक्वल टू 4, देन 2 5 जो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, देन हमें y का वैल्यू कितना मिल गया 6/5। देखें y की वैल्यू भी सेम मिली जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड से फाइंड किया हुआ था। तो चलिए अब x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं y की वैल्यू को। जब y की वैल्यू हमें 6/5 मिल गया है, अब y की वैल्यू को हम जब x की वैल्यू में पुट करेंगे देन हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, देन x का वैल्यू हमें मिला है 5-5 और y का वैल्यू हमें मिला है 6/5। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम 1 इम्प्लाइज दैट 5 और 25 माइनस 6 इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिल जाएगा 19/5। देयरफॉर हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x एंड y के वैल्यू सेम है जैसे एलिमिनेशन मेथड में आया था। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो है 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। तो चलिए इसको भी हम पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड से पहले करते हैं। देन सबसे पहले हम लिखेंगे The system of linear equation is given b, then 3x plus 4y is equal to 10, यह हमारा equation number first दिया हुआ है, और 2x minus 2y is equal to 2, यह हमारा equation number second दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से इक्वेशन नंबर सेकंड में, देन y से तो ये भी 4y हो जाएगा, देन ये कैंसिल हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड by 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट हम क्या पाएंगे देन 4 प्लस 3x 7x और माइनस 4y प्लस 4y देन ये भी कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास 10 एंड प्लस 4 14 बचेगा और हम 7 से कैंसिल हो जाएगा 14 टू टाइम में, देन x का वैल्यू 2 मिल गया। अब x की वैल्यू 2 मिल गई इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे देन हमें y की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट,
हमारी इक्वेशन फर्स्ट था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो चलिए रखते हैं, देन x का वैल्यू हमने 2 पॉइंट किया हुआ था, देन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, देन 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 3 टू जा 6, जब ये राइट साइड में जाएगा ट्रांसफ़र होगा देन माइनस हो जाएगा, देन 4y इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1, therefore the value of x and y are 2 and 1। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो इसमें भी हम लिखेंगे, पहले लिख लीजिएगा द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बी, तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यह इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हुआ है। अब हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो आसान होता है उसी को लेते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को लेंगे, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट 2x माइनस 2y को राइट साइड में ट्रांसफ़र क्या करेंगे, देन 2 प्लस 2y हो जाएगा, देन 2 प्लस 2y, एंड 2 अगर हम कॉमन कर लें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, देन x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस y, यह हमारा x की वैल्यू मिल गया। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन 3 1 + y + 4y इज इक्वल टू 10। अब क्या हो जाएगा, 3 + 3y + 4y इज इक्वल टू 10, देन 4 और 3 7y, और 10 में से जब 3 कैन माइनस होगा देन 7y 7 हो जाएगा, देन 7y इज इक्वल टू 7, देन 7 से 7 कैंसिल, तो हमें y का वैल्यू क्या मिल गया 1, y का वैल्यू हमें 1 मिल गया। अब हम y के वैल्यू को x के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे, देन हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर इसमें भी आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा करने पर भी हमें x की वैल्यू 2 मिली और y का वैल्यू 1 मिला। तो अगर आपको कोई सा भी डाउट हो इन दोनों क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।